हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह साहब जुड़े हुए हैं। संजय सिंह जी, जो कुछ हुआ हाथरस की घटना वाले दिन से लेकर के अब तक इस बीच में, ठीक है, आरोप यह भी लग रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर उस पर रोटियां भी सेकी जा रही है, मगर कोई यह मानने को तैयार नहीं कि डीएम और एसपी के स्तर पर बहुत बड़ी लापरवाही और गलती हुई है। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीतिक रोटियां सेकना आप किसको कहते हैं। 14 सितंबर से लेके 8 दिन तक गैंगरेप की एफआईआर नहीं लिखा जाना, ये क्या बताता है? उस बच्ची को ठीक से इलाज नहीं मिलना और एम्स में बेड नहीं मिल पाना, ये क्या बताता है? उस बच्ची का शव परिवार की मर्जी के बगैर जबरन शव दाह किया गया। मैं दाह संस्कार भी शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि हिंदू संस्कृति और सभ्यता और मान्यता के खिलाफ जाकर जबरन रात में उसका पेट्रोल छिड़क कर शव दाह किया गया, इसको आप क्या कहेंगे? ये राजनीतिक रोटियां कौन सेक रहा है? अरे, क्रूर व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चल रही है, जहां पर किसी के लिए न्याय नहीं, मासूम बच्चियों का बलात्कार हो रहा। लखीमपुर खीरी की घटना, जौनपुर की घटना, बागपत की घटना, आजमगढ़ की घटना, बुलंदशहर की घटना, आज फतेहपुर की घटना, ठीक है, ये सारी बातें बना हुआ है। संजय सिंह साहब, ये सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त आप कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। ये सारी घटनाएं हुई हैं, संवेदनशीलता की जगह असंवेदनशीलता देखी है। मगर मेरा एक छोटा सा सवाल, 2012 में निर्भया कांड के बाद में निर्भया फंड दिया गया राज्यों को, मगर राज्यों ने किस तौर पर संवेदनशीलता बरती? तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे कि प्रियंका गांधी वहां पर पहुंच रही है। किस तौर पर बरती गई संवेदनशीलता, उस फंड का इस्तेमाल किस तौर पर किया गया सरकारों ने, राज्य सरकारों ने? नहीं, निश्चित रूप से आपकी जो बातें हैं 100% ये बात सही है कि जो मुद्दा ज्यादा चर्चा में आ जाता है उस पर लोग सड़कों पर मोमबत्ती लेकर निकल जाते हैं, आंदोलन प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन इसका एक अस्थाई समाधान नहीं निकल पा रहा हिंदुस्तान के अंदर। ये घटनाएं पूरे देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में, तो आपको हर जिले का अखबार उठा के देख लीजिए, बच्चियों के बलात्कार की घटनाओं से, उनकी हत्या की घटनाओं से भरा पड़ा हुआ है समाचार। दिल्ली में आपकी सरकार है, निर्भया फंड जिन राज्यों में सबसे कम इस्तेमाल किया गया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसका सही तौर पर इस्तेमाल तक नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया संजय सिंह साहब।